सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा हम कर रहे हैं पहलवान मौसम खत्री से और हमारे साथ अब उनकी धर्मपत्नी अंकिता भी जुड़ गई है। अंकिता जी आपका भी स्वागत है। आप बताइए ये जो जर्नी है इसमें इसको आप किस तरह से देखती हैं? जो सब कुछ है जो ये जर्नी हमारे लिए मानते हैं कि भाई खेल में हमें बहुत बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन जो कुछ भी है आज मौसम ने मेडल जीता है भाई, ये इसकी मेहनत का नतीजा है। इसके लिए इसने बहुत कई साल से जब बचपन से लगा हुआ है इसके लिए, तो आज जो कुछ भी हमने अचीवमेंट हासिल की है इससे मेरी फैमिली और हम सब कुछ बहुत खुश हैं। तो जैसे भी लाइफ में जो कुछ होता है हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, लेकिन जो जब हम किसी भी अपने टारगेट को पाते हैं तो हम वो सब कुछ भूल के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को मेडल दिखता है, रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। कई रातें या कई दिन जिस तरह से निकलते हैं, आपको कभी ऐसी शिकायत भी रही है कि वक्त नहीं दिया या फिर बहुत ज्यादा बिजी हो? हाँ ये बिजी लाइफ होती है, लेकिन कुछ अगर हमें बिजी होने के बाद अगर हमें वो टारगेट मिल जाए, वो हमें वो अचीवमेंट मिल जाए जो हम चाहते हैं, तो तब खुशी होती है। लेकिन टाइम के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। हाँ काफी टाइम स्टेडियम में बिताते हैं अपना, तो पर लास्ट में जो कुछ हमें जो भी हमें मेडल मिलता है जो हमें खुशी होती है उससे हम पीछे की जो कुछ भी हमें अगर टाइम नहीं मिला, फैमिली को टाइम नहीं दिया, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। किस तरह का सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक टाइम उन्होंने बताया वो थोड़ा खराब भी आया था, पूरे देश की तरह आप भी एक्सपेक्ट कर रही होंगी गोल्ड, वो इंजरी हो गई, ऐसे वक्त में थोड़ा सा मोरल डाउन कई बार हो जाता है, सपोर्ट किस तरह करते हैं फिर? हाँ ये है कि भी हम पूरा देश चाहता था, हमारी पूरी फैमिली, जब मौसम फाइनल में पहुंचे तो हमें सबको आशा थी कि भी वो गोल्ड लेके ही आएगा, लेकिन जब लक खराब था तो इस वजह से भाई गोल्ड से चूक गई है। लेकिन जो कुछ भी है हम आगे आगे और मेहनत करेंगे एशियाड में, अगर इसमें गोल्ड नहीं आया तो एशियाड में हमें पक्का गोल्ड देंगे। घर वालों को आप समझा देते हैं कि खेल में हार जीत लगी रहती है? हाँ घर वालों को समझा देता हूँ और घर वालों को पता भी है कि खेल में हार जीत चलती रहती है। जी। क्या कुछ स्पेशल डाइट देती हैं आप इनको? पूरा इंडिया यही जानना चाहता है। स्पेशल डाइट तो सभी जानते हैं कि भी एक पहलवान की पूरी दुनिया से हटके एक अलग ही डाइट होती है, इसके लिए और डाइट के लिए आप मुझसे ज्यादा अगर इनसे पूछें तो ये आपको ज्यादा बेटर होगा। तो पूछ चुके हैं फिर पूछ लेते हैं जी, सुबह नाश्ता क्या होता है आपका? सुबह नाश्ता हमारा ब्रेड होते हैं, दलिया होता है और इसको भी आलू के परांठे, ऐसे चलता रहता है। बीच में मन तो करता होगा यार कुछ ऐसा खा लिया जाए, डाइट को एक बार भूल जाए? नहीं वो तो रूटीन में ऐसे ही खाते हैं, हमें बोलना क्या था उसमें। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि ओलंपिक तो सबका सपना होता है, एशियाड सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जहन में तो रहता है कि हाँ वहां तक पहुंचना है? हाँ अब सबसे पहले तो अगस्त में होने वाले एशियाड उसी पर फोकस है, फिर 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक होगा उसके लिए तैयारी करते रहेंगे, और बस अपने रूटीन में जिस तरह से बचपन से लेकर आज तक इन्होंने इतने साल तक मेहनत की आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। अब तो खेलों पर फिल्में भी आने लगी हैं, फिल्मों को देखकर भी आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारे घर में भी होना चाहिए ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, फिल्में जैसे कि दंगल आई थी तो सभी में हौसला, सभी को देख के भी लड़कियों को इतना सपोर्ट मिला था तो सभी की आशा तो होती है, लेकिन ये होता है कि दंगल आई, मैरी कॉम आई, इन सब को देख के होता है, लेकिन जो कुछ भी अपनी उसमें उनकी बायोग्राफी दिखाई गई थी तो हर घर में सभी चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर भी हम देश के लिए कुछ ऐसा करें, चाहे फिल्म बने या ना बने लेकिन देश के लिए कुछ ऐसा करें कि हम हट के दुनिया को लगे कि हाँ भाई कुछ किया। क्योंकि अब तो देखिए आपको भी एक सेलिब्रिटी टाइप हो जाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई पहचानता है, जैसा मैंने जिक्र किया कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है, उस हिसाब से उम्मीदें भी तो बहुत बढ़ जाती है फिर। हाँ उम्मीदें तो बढ़ जाती है कि हमको इतना मान सम्मान प्यार मिल रहा है तो हमने भी अच्छा करके दिखाना है, उम्मीदें वो जुड़ जाती है। अंकिता जी एक्सपेक्टेशन का एक बोझ तो रहता ही होगा और आप ही इसको हैंडल करती होंगी फिर? हाँ ये है कि जब इन्हें देखते हैं कि भी इतनी मेहनत करते हैं तो एक्सपेक्ट तो हर कोई इंसान करता है, हम भी करते हैं, फैमिली भी करती है, देशवासी भी करते हैं, जो इनके फैंस हैं वो भी करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो बनी रहती है। अब गांव जाते हैं जब जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है,
अंदर से तो एक अलग ही फीलिंग आती होगी कि जिस तरह का माहौल अब बन चुका है खेलों को लेकर और जो मेहनत है उसका रिजल्ट लोगों की आंखों में दिखता है। हाँ, जब देश में जाते हैं, जब गांव में जाते हैं तो भाई गांव वालों से जो प्यार मिलता है तो हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है कि हाँ आज इन्होंने सिल्वर जीता है। जब ये गांव में गए, इनका स्वागत किया गया, तब गांव वालों को देख के, फैमिली को देख के तो जज्बा तो होता ही है कि भाई आगे मैं ओलंपिक में जाके, एशियाड में जाके गोल्ड लेके आऊं, तो हिम्मत तो बनती ही है। ये बात भी सब समझते होंगे कि वहां तक पहुंचना और जीतना, उसके लिए जो मेहनत चाहिए, जो कोशिश चाहिए, वो बिल्कुल अलग दर्जे की है। हाँ, ये तो है ही, इतने अच्छे वहां तक जाने के लिए अलग से ही मेहनत करनी पड़ती है। अंकिता जी, कहा यह जाता है कि खेलता तो खिलाड़ी है लेकिन संघर्ष उसका पूरा परिवार करता है, आप भी मानती हैं? हाँ, ये तो है ही, अगर ये खेलते हैं तो इसके पीछे इसकी फैमिली का, पेरेंट्स का, भाई का, सभी का हाथ तो होता ही है। खेलता खिलाड़ी है लेकिन फैमिली उसे जब तक पीछे सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपने देखा कि खिलाड़ी खेलता है लेकिन पूरी फैमिली का संघर्ष होता है, क्योंकि देश के साथ वो उम्मीदें करते हैं, उनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, और यही वजह है कि इस तरीके की मेहनत से, संघर्ष से और इस तरीके की लगन के बाद कोई खिलाड़ी तैयार होता है। वरुण गोयल, MH1 न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।